प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मिर्जापुर पहुंच गए। यहां उन्होंने इलेक्ट्रेट परिसर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में जाना। कंट्रोल रूम किस प्रकार काम करता है, किस तरह सूचनाएं प्रेषित होती हैं, इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उसके बाद मंडलीय अस्पताल के लिए निकल गए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर सुबह 10:23 पर उतरा। वहां पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सांसद अनुप्रिया पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मड़िहान विधायक और राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, चुनार विधायक अनुराग सिंह, छानबी विधायक राहुल प्रकाश कोल आदि लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उनका काफिला सीधे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कंट्रोल रूम पहुंचा। कंट्रोल रूम में लगभग वह 7 रहे। कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ रही है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वाराणसी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक गांवों में जांच कराने के आदेश दिए। वहीं आजमगढ़ जिले के दौरे पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक से इतर प्रदेश स्तर पर बनी टीम 9 के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसमें बताया गया कि जून से वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। हर वैक्सीन सेंटर को कॉल सेंटर से जोड़कर वहां उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा जितने लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। अस्पतालों में भी कोविड के साथ पोस्ट कोविड वार्ड और महिलाओं बच्चों के लिए हर जिले में अस्पताल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्लैक फंगस के प्रति विशेष जागरूकता व सावधानियां का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराए जाने तथा लोगों में जन जागरूकता सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर दिया जाए। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाए।